गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और भारत तक आपको लगातार वो तमाम अपडेट्स दे रहा है गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कौन कौन सी सेनाएं हिस्सा ले रही हैं या फिर कौन सी सेनाएं बाहर से आई हैं इस खासकर इस गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए? अगर नहीं तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक और ये है हमारी खास पेशकश जिसका नाम है मेरा भारत महान। इस बार की परेड को हम इसलिए भी अनोखा कह रहे हैं क्योंकि इस बार हमारे सैनिकों के साथ साथ राजपथ पर विदेशी सैनिक भी मार्च करेंगे। वो कौन है ये बताते हैं आपको। दरअसल बांग्लादेश के सैनिक इस बार राजपथ पर मार्च करने वाले हैं। इस बार बांग्लादेश के सैनिक अपने खास हथियार BD-08 के साथ राजपथ पर मार्च करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की सुनहरी सालगिरह के अवसर पर बांग्लादेश का बैंड भी इस बार राजपथ पर अपने तान थाप बिखेरेगा। बांग्लादेश की टुकड़ी में 3 सेनाओं के सैनिक शामिल हैं, मतलब बांग्लादेशी थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इस टुकड़ी में मिलिट्री बैंड के सदस्यों के साथ साथ कुल 122 सैनिक हैं। बांग्लादेश आर्म फोर्सेस की टुकड़ी 30 जनवरी तक भारत में रहेगी और इस दौरान परेड में हिस्सा लेने के अलावा आगरा और अजमेर का दौरा भी करेगी। ये तीसरी बार है जब किसी मित्र देश के सैनिक हमारे यहाँ परेड में हिस्सा लेने आए हो। साल 2016 में फ्रांस की सेना आई थी, साल 2017 में UAE की सेना आई थी और तब से लेकर अब तीसरी बार बांग्लादेश की सेना यहाँ पे गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगी। खास बात यह है कि भारत इस साल पाकिस्तान पर 1971 में युद्ध में मिली विजय का स्वर्णिम वर्ष मना रहा है। 1971 के युद्ध के बाद ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के अलग देश के रूप में सामने आने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसके लिए बांग्लादेश ने कई बार भारत का आभार जताया है। जब बांग्लादेश के सैनिक राजपथ पर मार्च कर रहे होंगे तब उस वक्त हमारा डकोटा MI-171V उस वक्त उड़ान भरेगा। ये अपने आप में एक गौरव का पल होगा, साथ ही साथ बांग्लादेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा क्योंकि डकोटा ने उस वक्त 1971 में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इसके अलावा भारत के लिए डकोटा जो है वो काफ़ी यादगार भी है क्योंकि इसने बहुत सारे बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दिया है। इस एयरक्राफ्ट ने युद्ध में पाकिस्तान का ढाका का मोर्चा ढहाने में मदद की थी और ये सच है कि बांग्लादेश की वायुसेना की यात्रा डकोटा और भारतीय वायुसेना की मदद से ही शुरू हो पाई थी। लेकिन इन सब के बीच आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप तमाम एहतियातों का ख्याल रखें और परेड में भी एहतियात बरते जा रहे हैं और परेड में इस बार काफ़ी कुछ बदलने वाला है। यानी कि कम लोग होंगे वहाँ पे, सैनिकों की संख्या कम होगी, परेड की लंबाई कम हो गई है, इसलिए आप भी उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप घर से बैठकर परेड देख रहे हैं तो भी आप उतना ही इंजॉय करेंगे, अगर आप वहां जा रहे हैं तो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उसका आप खास ख्याल रखें क्योंकि सुरक्षा ही सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है और आप सुरक्षित हैं तो दूसरे लोग भी सुरक्षित होंगे।